हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत जोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे माई सेल्फ पियूष पहावा एंड मैं आप सभी के सामने एडवांस बैंक मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसमें मॉड्यूल ए के हम इनिशियल टू चैप्टर्स को अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री में आपके पास चार टॉपिक्स हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस आज के इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्ट करके कंप्लीट कर देंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो उसके बाद हम स्क्यूनेस एंड कुरोसिस को उठाएंगे लेट स्टार्ट विद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन इस टॉपिक में सबसे पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी है जो आपके इस टॉपिक का पार्ट नहीं है बट ये ये चीज बिना समझे आप इस चैप्टर को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सीरीज टाइप्स ऑफ सीरीज में आपके पास जो सीरीज हैं वो दो टाइप की होती हैं नंबर नंबर इज इज सीरीज सीरीज एंड अनग्रुप्ड तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ग्रुप्ड सीरीज क्या होती है ग्रुप्ड सीरीज इज अ सीरीज वेयर डेटा हैज बिन ऑर्गेनाइज इन टू कैटेगरीज इट कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी टेबल इट हैज टू डिविजन इज डिस्क्रीट सीरीज एंड बी इज कंटिन्यूस अब ये जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या है कैटेगरीज में यूजिंग ग्रुप्ड सीरीज अब ये जो है आपके दो टाइप की होती है पहला होता है डिस्क्रीट सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक जगह आप टेबल आपका टेबल बनाया जाता है डिस्क्रीट सीरीज में जहां पर आपका एक कॉलम होता है एक्स यानी वेरिएबल और दूसरा होता है एफ यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे वेरिएबल है आपका टू थ्री फोर और इसकी फ्रीक्वेंसी है सेवन, एट। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो वेरिएबल टू है वो नाइन बार रिपीट हो रहा है जो वेरिएबल थ्री है वो सेवन टाइम्स रिपीट हो रहा है एड जो वेरिएबल फोर है वो एट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज जहां पर आपका एक कॉलम होता है आपके वेरिएबल का और दूसरा कॉलम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का अब जो आपकी दूसरी टाइप की सीरीज होती है उसे हम कहते हैं सीरीज सीरीज का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पर लेफ्ट साइड में आपके बनते हैं क्लास इंटरवल और राइट right साइड में आपके बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल किस तरीके से जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जैसे लेट सपोज थ्री सेवन इलेवन तो इसका मतलब क्या है कि जीरो से टेन के बीच में आपके बहुत सारे नंबर आते हैं कि जीरो पॉइंट वन आ गया वन पॉइंट थ्री आ गया फोर पॉइंट सेवन आ गया और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके जो नंबर हैं वो जीरो से टेन के बीच में आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं थ्री टेन से ट्वेंटी के बीच में कितने आ रहे हैं सेवन ट्वेंटी से थर्टी के बीच में कितने आ रहे हैं इलेवन तो ये आपकी कौन सी सीरीज का एग्जाम्पल हो गया कंटिन्यूस सीरीज का अब हम पढ़ते हैं कि अनग्रुप्ड सीरीज क्या होती है हमारी अनग्रुप्ड सीरीज के बारे में लिखा है एन अनग्रुप्ड सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज प्रेजेंटेड इन रॉ एंड फॉर्म इट इज नोन एज रॉ डेटा और अनऑर्गेनाइज डेटा इसका सिंपल सा मतलब है है कि जो आपका डेटा वो किस तरीके से लिखा गया है थ्री इसमें आपके वेरिएबल्स को डायरेक्टली लिख दिया जाता है थ्री सेवन थ्री नाइन थ्री फोर सेवन नाइन फोर थ्री ये जो आपका डेटा है इसे

तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में है क्या तो एक स्टेटिस्टिकन थे जिनका नाम तो प्रोफेसर बाउले और इनके द्वारा जो ये डेफिनेशन दी गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट व्हिच इनेबल अस टू कॉम्प्रिहेंड इन सिंगल एफर्ट द सिग्निफिकेंट ऑफ द होल इसका मतलब क्या है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसे स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट हैं जिनकी वजह से हम एक ही बार में पूरे के पूरे डेटा को समराइज करके उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ये किसने कहा था आपके एक स्टैटिस्टिकन थे जिनका नाम था प्रोफेसर बाउले अब इसी डेफिनेशन को सिंप्लीफाइड तरीके से क्या कहा जाता है कि द टेंडेंसी ऑफ डेटा टू क्लस्टर अराउंड सेंट्रल और मिड वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा सेंट्रल टेंडेंसी इज मेजर्ड बाय बाई इसका मतलब क्या है कि ऐसी टेंडेंसी ऑफ डेटा ये जो पूरा क्लस्टर है यानी जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है वो किसी एक ही वैल्यू के अराउंड किस तरीके से घूमती है उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अब हम पढ़ते हैं कि एक अच्छा मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है उसमें क्या क्या होने चाहिए उसके क्या रिक्विसिट्स हैं तो सबसे पहला जो आपका उसका रिक्विशिट बनता है वो है इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड नेक्स्ट है आपका इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड थर्ड है आपका इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस नेक्स्ट है आपका इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो आपका फिफ्थ इसका निकल कर आता है है वो ये है कि ये लीस्ट इफेक्ट होना चाहिए बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग जो आपका सिक्स्थ निकल कर आता है वो ये है कि इट शुड नॉट

मीन से तो मीन होता क्या है मीन का सिंपल सा मतलब होता है कि जितना भी आपका पूरा डेटा है वो उन सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो तो, टोटल नंबर ऑफ से उसका आपका मीन निकल जाएगा तो इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मीन और एवरेज इज मोस्ट कॉमनली यूज सिंगल डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेन इज सिंपल टू कंप्यूट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ये मेन की हो गई आपकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके मीन है वो तीन टाइप के होते हैं पहला होता है आपका अरिथमेटिक मीन जिसे हम ए एम कहते हैं दूसरा होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन जिसे हम जीएम कहते हैं और तीसरा होता है आपका हार्मोनिक मीन जिसे हम एच HM एम कहते हैं अब इन तीनों टाइप के मीन को हमें डिटेल में पढ़ना है और साथ साथ में इसके एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी लगाएंगे जिससे आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाए सो लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर सबसे पहले आपको पढ़ना है कि अरिथमेटिक मीन क्या हो तो अभी तक हम जैसे हमने पढ़ा था ना कि दो टाइप की सीरीज होती हैं उन दो टाइप की सीरीज को दो टाइप की सीरीज में हम अरेथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं सबसे पहला होता है आपका अनग्रुप्ड सीरीज अगर आपकी अनग्रुप्ड सीरीज है तो उसमें आप मीन को कैसे निकालेंगे उसमें आप मीन को निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन इसमें आपका एक्स क्या है वेरिएबल और आपका एन क्या है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इस तरीके से आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ अनग्रुप्ड सीरीज इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम थ्री सेवन फोर नाइन इलेवन टोर्टीन सेवनटीन अगर आपको इसका मेन निकालना है तो आप इसका मेन कैसे निकालेंगे मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक्स बार से वो कैसे निकलेगा समेशन ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ वेरिएबल्स वो क्या आएगा थ्री प्लस सेवन प्लस फोर प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस ट्वेल्व प्लस प्लस सेवनटीन होल डिडेड सिक्स सेवन एट अब इसे सॉल्व करके आपका क्या निकल जाएगा अरिथमेटिक मीन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अनग्रुप्ड सीरीज में आप अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ no, विल अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास ग्रुप्ड सीरीज होगी तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ग्रुप्ड सीरीज में हमने पढ़ा था कि दो टाइप की ग्रुप्ड सीरीज होती हैं। पहली होती है आपकी डिस्क्रीट और तीसरी हो, दूसरी होती है आपकी तो पहले हम डिस्क्रीट सीरीज में समझेंगे डिस्क्रीट सीरीज इसमें हम कैसे निकालेंगे समेशन ऑफ एफेक्ट डिवाइडेड बाय एन अब इसमें समेशन ऑफ एफेक्ट क्या है इसके लिए हम सबसे पहले अपना ग्रुप डिस्क्रीट सीरीज को बनाते हैं यहाँ पे यहां पर आएगा आपका एक्स यहाँ पे आ गया एफ थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गए आपके वेरिएबल और इनकी फ्रीक्वेंसीज़ को इसके सामने लिख देते हैं यहां पे हमारे क्या बन गया टेबल बन गया डिस्क्रीट सीरीज का अब अगर हमें इसका मीन निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे समेशन ऑफ एफेक्ट्स डिवाइडेड बाय एन तो एन से यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे समेशन ऑफ एफेक्ट्स की हर एक्स को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे तो वो कैसे निकलेगा मीन इज इक्वल्स टू थ्री इंटू सेवन प्लस फोर इंटू एट प्लस फाइव इंटू नाइन प्लस सिक्स इंटू टेन होल डिवाइडेड बाय एन का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी इन फ्रीक्वेंसीज का सम वो आ जाएगा आपका आपको ये भी समझ आया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में हम किस तरीके से अपना अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं नाउ वी कि किस तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज में करेंगे तो कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला होता है आपका कंटी सीरीज ne इसमें आपका फॉर्मूला बनता है समेशन ऑफ एफेक्ट्स डिवाइडेड बाय एन तो इसके लिए हम सबसे पहले सीरीज बना लेते हैं अपनी वो किस तरीके से बनेगी क्लास इंटरवल जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी इसके साथ हैं फ्रीक्वेंसीज जैसे आ गई लेट सपोज फाइव सेवन एट थ्री टू ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसीज इसकी अब हमें पे कैलकुलेट करना है मीन तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला को देखा अपना फॉर्मूला में हमारे पास क्या है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन यहाँ पर हमारे पास एफ तो है पर एक्स नहीं है तो हम करेंगे एक्स को कैलकुलेट एक्स किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होगा

प्लस थर्टी कितना होता है आपका फिफ्टी फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू ट्वेंटी प्लस फोर्टी होता है डिवाइडेड 70, डिवाइडेड 70 होता है 90, 90 2, 45. ये बन गया आपका एक्स अब आप यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगा देंगे वो क्या है एफ इंटू एक्स तो आप एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इंटू फाइव प्लस सेवन इंटू फिफ्टीन प्लस एट इंटू ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री इंटू थर्टी फाइव प्लस टू इंटू फोर्टी फाइव होल डिवाइडेड बाय फाइव प्लस सेवन प्लस एट प्लस थ्री प्लस टू इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन का इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज आई होप आपको तीनों सीरीज में किस तरीके से मीन को कैलकुलेट करना है ये समझ में आया होगा अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपका की अरिथमेटिक मीन है इसके क्या मेरिट्स हैं हमारे पास जो हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करके अपने रिक्वायर्ड कंक्लूजन पे जा सकते हैं तो ये है आपका कि इट इज रिजिडली डिफाइंड इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू फॉलो अभी हमने देखा कि कितने इजी इजी प्रोसेस है अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के नेक्स्ट है इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन ये सभी के सभी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता है इन ऑर्डर टू ड्रॉ योर कंक्लूजन नेक्स्ट है आपका इट इज डिटर्मिंड फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डेटा नेक्स्ट आपका है इट इज फाइनाइट एंड इनडेफिनेट जो आपका नेक्स्ट इसका मेरिट है वो आपका इट इज रेडिली पुट टू अल्जेबरिक ट्रीटमेंट एंड जो आपका लास्ट इसका मेरिट निकल कर आता है वो ये है इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएटिंग इन सैम्पलिंग आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन सबसे पहला डीमेरिट जो अरिथमेटिक मीन का निकल कर आता है वो ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत ज्यादा होता है एक्सट्रीम वैल्यूज वैल्यूज मतलब सबसे सबसे स्टार्टिंग की और लास्ट की वैल्यूज एंड ऑब्वियसली वो अफेक्ट करेगा क्यों करेगा क्योंकि अगर पहले वाली जो ऑब्जर्वेशन है उसे मैं दस की जगह सौ कर दूं तो सभी तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल गया तो मीन बदल गया नेक्स्ट है आपका इट कैन नॉट एवरेज द रेशियोज परसेंटेज रेशियो और परसेंटेज के लिए हम अरिथमेटिक मीन का यूज नहीं कर सकते उसके लिए हम करते हैं हमारा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का यूज नेक्स्ट है आपका इट इज नॉट अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है जहां पर आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है डेटा उसे कहते हैं हम हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और ये आपका इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट भी है इसकी उन्हें असेंड कुर्तोसिस उसे हम आगे आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे नेक्स्ट जो आपका इसका डीमेरिट है वो ये है इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड एक्यूरेटली इफ एनी आइटम इज मिसिंग अगर जैसे हमारे पास जो हम अभी फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे थे वो ये था कि टेन से ट्वेंटी का हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते ट्वेंटी से थर्टी में हम लिखते फोर थर्टी से फोर्टी में हम लिखते फाइव इस तरीके से हमारे पास डेटा होता तो यहाँ पर तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ही नहीं अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हम एक्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो इस केस में तो हमारा आंसर ही नहीं आ सकता इसलिए जब आपकी कोई भी वैल्यू अगर मिसिंग है उस केस में आप अरिथमेटिक मीन को फाइंड नहीं कर सकते ये आपका इसका एक डिमेरिट बन जाता है जो नेक्स्ट डिमेरिट है वो ये है कि द मीन समटाइम्स डज नॉट कोइंसाइड विद एनी ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा है थ्री फोर सेवन नाइन अगर आप इसका मीन निकालेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा थ्री प्लस फोर प्लस सेवन प्लस नाइन डिवाइडेड बाई फोर वो कितना होगा आपके पास ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाय फोर जो कि निकल कर आएगा फाइव पॉइंट सेवन फाइव अब अगर आप यहां पर देखें हमारे पास मीन क्या आ रहा है फाइव पॉइंट सेवन फाइव पर हमारी कोई ऑब्जर्वेशन तो फाइव पॉइंट सेवन फाइव है ही नहीं यही यहाँ पर डिमेरिट का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे ऑब्जर्व वैल्यूज होती हैं उससे मीन मैच ही नहीं करता मीन जो है वो कुछ और निकल कर आता है जो लास्ट इसका डिमेरिट है मीन का वो ये है कि मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड

अपना x तो निकाल ही सकता क्यों क्योंकि x होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू अगर मैं x नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा एंड हेंस दिस इज ऑल्सो डिमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन आई होप आपको अरिथमेटिक मीन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसे किस तरीके से कैलकुलेट करना है क्या इसके मेरिट्स हैं क्या डिमेरिट्स हैं आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा ज्योमेट्रिक मीन अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम जिस तरीके से हमने अरिथमेटिक मीन में किया था सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन में सबसे पहले हम जाएंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए इंडिविजुअल सीरीज सॉरी सबसे पहले हम जाएंगे अनग्रुप्ड सीरीज के लिए अनग्रुप्ड सीरीज उसमें अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एन रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइटम्स जितने भी आपके आइटम्स हैं किसी भी सैंपल में या फिर पॉपुलेशन में उसका आपको एनथ रूट निकालना है वो किस तरीके से करते हैं उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लेट सपोज हमारे पास जो डेटा है वो है थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन इसका आपको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन तो वो किस तरीके से निकलेगा यहाँ पर एन कितना है आपका कितने ऑब्जर्वेशन है ये एक दो तीन चार पांच तो ये आपके पांच आइटम्स हैं इसका आपको क्या निकालना है ज्योमेट्रिक मीन वो किस तरीके से निकलेगा फिफ्थ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइटम्स यानी थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन अब बात आती है कि इसे हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके सी ए आई आई बी के एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है और लेकिन वो जो कैलकुलेटर है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए वो बेसिक कैलकुलेटर होना चाहिए एंड उन्हीं कैलकुलेटर की मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को कर पाएंगे तो सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर पे जाइए और थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन को कैलकुलेट कीजिए वो कैसे होगा सबसे पहले आप दबाइए थ्री फिर इंटू का बटन फोर फिर इंटू का बटन फाइव फिर इंटू का बटन सिक्स फिर इंटू का बटन सेवन और देन लास्ट में इजिकल्स टू का बटन दबा दीजिए तो आपके कैलकुलेटर पे आ रहा होगा टू फाइव टू जीरो अब आपको निकालना है इसका फिफ्थ रूट क्या निकालना है इसका फिफ्थ रूट और किसी भी अगर आपको किसी भी आइटम का एनथ रूट निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे उसकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं तो जो भी आपका नंबर है सबसे पहले आप उस नंबर को स्क्रीन पर लेंगे वो हमारा यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है टू फाइव टू जीरो इसका हमें एनथ रूट निकालना है तो सबसे पहले आप रूट के बटन को ट्वेल्व टाइम्स प्रेस करेंगे अपने कैलकुलेटर पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टाइम्स रूट का बटन दबाया आपने कैलकुलेटर पे अब आपके स्क्रीन पे जो भी नंबर आ रहा है उसमें से आप कर दीजिए माइनस वन फिर आप एजिकल्स टू तो का बटन दबाइए अब आप कीजिए डिवाइडेड बाय एन क्या करेंगे डिवाइडेड बाय एन यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है फाइव तो हम करेंगे डिवाइडेड का बटन दबा के फाइव देन आप

तो अब आपके कैलकुलेटर पे आपको फाइनल आंसर दिख रहा होगा फोर पॉइंट सेवन नाइन फाइव वन और अगर आपके कैलकुलेटर पे ये नहीं दिख रहा है इसके आगे भी आपके कुछ ऑब्जर्वेशन uh, लिखे हुए हैं बस आपको फोर अगर आपके कैलकुलेटर कैलकुलेटर को परचेज किया मीन कि को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अनग्रुप्ड सीरीज के बाद अब हमें समझना है कि जब हमारी ग्रुप्ड सीरीज होगी तो ग्रुप्ड सीरीज में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमारे ज्योमेट्रिक मीन को अब जो हमारे पास ग्रुप्ड सीरीज होती है वो कितनी होती हैं दो पहली होती है डिस्क्रीट तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट सीरीज को करते हैं डिस्क्रीट सीरीज तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास जीएम का फॉर्मूला क्या होता है जीएम इज इक्वल्स टू एन एथ रूट ऑफ एक्स वन की पावर एफ वन मल्टीप्लाई बाय एक्स टू की पावर एफ टू मल्टीप्लाई बाय एक्स थ्री की पावर एफ थ्री मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 एक्स एन की पावर एफ एन अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज होगी तो हम वेरिएबल को लिखेंगे और उसकी पावर में उसी की फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वेरिएबल को उसकी पावर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसे एक्स थ्री से एक्स थ्री से और पावर देंगे एफ थ्री तो इस तरीके से हम अपने ज्योमेट्रिक मेन को कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज तो अब इसका आप एक अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं लेट सपोज हमारा जो एक्स है वेरिएबल है वो है वन टू थ्री फोर सॉरी और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है एट थ्री टू और वन अब हमें सॉल्व करना है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन को तो वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे जीएम एम इज इक्वल्स टू एन रूट एन रूट यहाँ पे क्या होगा आपका एन होगा आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वो आपका यहाँ पर कितना बन के आ रहा है फोर्टीन तो यानी आपका फोर्टीन रूट ऑफ एक्स वन एक्स वन आपका क्या है वन वन की पावर एट मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एफ तो आपकी एक्स है टू उसकी पावर आएगी थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स थ्री की पावर एफ थ्री थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई पावर करना है सॉल्व अब इसे आप किस तरीके से कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे देखिए वन की तो कोई भी पावर हो उसका आंसर तो वन ही निकलने वाला है तो आपको सॉल्व करना है टू की पावर थ्री से तो आप लीजिए कैलकुलेटर पे टू मल्टीप्लाई का साइन लगाइए फिर लगाइए टू फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए फिर कीजिए टू तो इससे आपके पास टू की पावर थ्री आ जाएगी फिर मल्टीप्लाई का साइन फिर थ्री दबाइए फिर मल्टीप्लाई का साइन थ्री दबाइए फिर मल्टीप्लाई का साइन अब दबाइए आप फोर फिर मल्टीप्लाई का साइन दबा के आप वन दबाइए इतना करने के बाद आपको इक्वल्स टू का बटन दबाना है इससे आपको क्या मिल गया कैलकुलेटर पे टू हंड्रेड एट्टी एट अब हमें इसका निकालना है फोर्टीन रूट वो हम किस तरीके से निकालेंगे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आपको ट्वेल्व टाइम्स बटन दबाना है रूट का बटन क्या दबाना है रूट का बटन करना है माइनस वन अब दबाइए जैसे हमें यहाँ पे फोर्टीन रूट निकालना है तो डिवाइडेड के बाद आप दबाइए फोर्टीन फिर इजिकल्स टू का बटन दबाइए अब आप कीजिए प्लस वन फिर इजिकल्स टू का बटन दबाइए अब इंटू इजिकल्स टू इंटू इजिकल्स टू ये आपको करना है ट्वेल्व टाइम्स कितने टाइम्स ट्वेल्व इंटू दबा के जब आप इजुक्ल टू दबाएंगे उसे आप वन काउंट करेंगे फिर से इंटू दबा के इन टू दबाएंगे उसे आप टू काउंट करेंगे तो ये आपको ट्वेल टाइम्स करना है तो आपके जो कैलकुलेटर पे आपको आंसर दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा वन पॉइंट फोर नाइन एट नाइन और यही है आपका इस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन आई होप आपको यह समझ आया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से हमें ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना है अब बारी आती है कि अगर सीरीज होगी तो कंटिन्यूस में आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे सीरीज जो आपका फॉर्मूला रहेगा जीएम का वो एकदम सेम रहेगा वो आपका क्या रहेगा एन एथ रूट ऑफ एक्स वन की पावर एफ वन मल्टीप्लाई बाय एक्स टू की पावर एफ टू मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 से लेकर एक्स एन की पावर एफ एन तक अब यहाँ पे हम इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि लेट सपोज जो हमारे क्लास इंटरवल हैं वो कुछ इस तरीके से है जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है फोर टू और वन अभी इसे आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे एक्स निकालेंगे एक्स किस तरीके से निकलेगा हमारा एक्स निकलेगा इसका मिड पॉइंट पूरी पूरी जो आपकी यहां पर यह सीरीज है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे आप तो जीरो प्लस टेन डिवाइडेड बाय टू ये कितना आता है फाइव टेन प्लस ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेंटी प्लस थर्टी डिवाइडेड बाय टू ये कितना होता है ट्वेंटी फाइव तो यहां से आपके पास एक्स और एफ निकल गया है अब आपको जीएम कैलकुलेट करना है वो किस तरीके से करेंगे आप एक्स वन की पावर एफ वन तो एक्स वन आपका है फाइव फाइव की पावर फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स टू की पावर एफ टू फिफ्टीन की पावर टू एक्स थ्री की पावर एफ थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव की पावर वन और इसका लेंगे आप nth रूट एन कितना है आपका इसका सम जो कि निकल कर आ रहा है सेवन तो यहां पर आपको सेवन रूट लेना है इसका अब वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर पे लीजिए फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव इससे आपके पास क्या आ गया फाइव की पावर फोर अब आप मल्टीप्लाई का बटन दबाइए फिर लीजिए फिफ्टीन फिर मल्टीप्लाई का, दब का बटन दबाइए फिर लीजिए फिफ्टीन फिर मल्टीप्लाई का बटन दबा के लीजिए आप ट्वेंटी बटन दबाइए आपके कैलकुलेटर पे आपको दिख रहा होगा थर्टी फाइव लैक फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अब आपको इसका सेवंथ रूट निकालना है उसके लिए आप प्रोसेस को रिपीट कीजिए जो मैंने आपको समझाई थी सबसे पहले आपको क्या करना है ट्वेल्व टाइम्स रूट का बटन दबाना है अब आपको करना है इसमें से माइनस वन इज का बटन दबाइए अब आपको डिवाइड करना है रूट रूट से कौन सा रूट आप निकाल रहे हैं उससे आपको डिवाइड करना है तो वो आपका सेवन है तो डिवाइड के बाद आप सेवन दबाइए फिर टू का बटन अब आप दबाइए प्लस वन फिर इज का बटन अब आप इंटू टू इंटू टू इंटू टू ये आपको दबाना है ट्वेल्व टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो आपके जो कैलकुलेटर पे आपको आंसर दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा एट पॉइंट सिक्स फोर टू वन और यही है आपका ज्योमेट्रिक मीन इस पूरी सीरीज का आई होप आपको समझ आया होगा कि ज्योमेट्रिक मीन को किस तरीके से कैलकुलेट करें अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है आपका कि मेरिट्स क्या है ज्योमेट्रिक मीन के अभी तक हमने ये समझा कि ज्योमेट्रिक मीन है क्या इसे कैलकुलेट किस तरीके से करना है अब हमें इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझना है तो सबसे पहला जो मेरिट है आपका ज्योमेट्रिक मीन का वो ये है कि इट इज यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर जो इंडेक्स नंबर है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट जो आपका इंडेक्स नंबर है वो जनरली आपका इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपका ज्योमेट्रिक मीन बहुत काम आता है दूसरा है आपका इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं आपकी पूरे डेटा में उन सभी को कंसिडर करता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन तीसरा जो इसका मेरिट निकल कर आता है वो ये है कि ये ज्यादा इफेक्ट नहीं होता फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से चौथा जो इसका मेरिट है वो ये है कि जब आप फाइनेंस में बहुत सारे आपको रेट्स कैलकुलेट करने होते हैं जैसे आपको एक होता है सी जिसे हम कहते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वो भी आप बहुत इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से एंड लास्ट है आपका कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो पे कैलकुलेट करना है कि आप एनुअल रिटर्न कितना अर्न कर रहे हैं तो वो भी आप किस तरीके से किससे इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे ज्योमेट्रिक मीन से कर पाएंगे अब हमने कुछ मेरिट्स पढ़े इसके तो हमें इसके कुछ डिमेरिट्स भी पढ़ने पड़ेंगे वो है हमारे कि इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू कंप्यूट एट इट रिक्वायर सम स्पेशल नॉलेज ऑफ लोगैरिदम्स यस अभी तक देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये यह कैलकुलेट करना सिखाया मैंने आपको कैलकुलेटर ट्रिक बताई इसकी कि आपको रूट सेवन कैसे कैलकुलेट करना है फाइव की पावर फोर कैसे कैलकुलेट करना है बट अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो आप जो है इसे किस तरीके से करते Logarithms का यूज करके आप इसे सॉल्व करते और इसीलिए जो आपका ज्योमेट्रिक मीन है वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट बन जाता है नेक्स्ट है आपका इसका जो डीमेरिट है वो ये है कि ये कभी भी जब आपकी कोई भी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है, तब आप कभी भी ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने जीरो आ गया तो रूट के अंदर कुछ भी आ जाए तो वो जीरो ही होगा और अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो आप कभी भी रूट को सॉल्व कर ही नहीं सकते इसलिए अगर ये जहां पर जीरो या फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो कभी भी आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट है आपका कि ये इजिली अंडरस्टूड नहीं हो सकता क्योंकि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये जो है ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये बहुत ही फाइनेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं जो एक लेमन लैंग्वेज में जिसे समझाना पॉसिबल नहीं होता हेंस इसे इजिली आप अंडरस्टूड नहीं कर सकते आई होप आपको डिमेरिट्स ऑफ जोमेट्रिक मीन भी क्लियर हुए होंगे अब हमें मूव करना है नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा हार्मोनिक मीन सबसे पहली चीज आती है कि ये हार्मोनिक मीन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट अ सेकेंड सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम हार्मोनिक मीन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम इसे अभी तक जिस तरीके का पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं वही करेंगे पहले हम जाएंगे अनग्रुप्ड सीरीज में अनग्रुप्ड सीरीज अनग्रुप्ड सीरीज में एच HM एम का फॉर्मूला हमारे पास बनकर आता है वो होता है एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय एक्स आई जहां पर आपका आई होता है वन से लेकर एन तक अब इस फॉर्मूले को हमने लिखा है इसे पढ़ते कैसे हैं और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं हमें वो समझना है एच HM एम में हम लेते हैं सब न्यूमरेटर में लेते हैं हम एन फिर हम उसे डिवाइड करते हैं वन डिवाइडेड बाय एक्स आई एक्स आई का मतलब क्या है आपका कि जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सभी को हम वन डिवाइडेड बाय जैसे आपका हम एग्जाम्पल लेते हैं उसे आप इजिली समझ पाएंगे जैसे हमारा डेटा है वन टू थ्री फोर फाइव एट टेन अब आपको इसका एच एम कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे एच एम इजिक्वल्स टू एन एन आपका होगा नंबर ऑफ आइटम्स तो वो आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो वो आपके सेवन आइटम्स हैं डिवाइडेड बाय अब आपको करना है डिवाइडेड बाय का आपको सम करना है यानी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री जितने भी आपके ये न, आइटम्स हैं ऑब्जर्वेशन हैं आपकी जितनी भी इस ग्रुप में उसका आपको रेसिप्रोकल करना है और उन्हें आपस में ऐड करना है डिनोमिनेटर में तो इसलिए मैं आपको इसे सॉल्व करने का एक ईजी तरीका बताता हूँ सबसे पहले आपका वन है वन डिवाइडेड बाई वन उसकी तो वैल्यू वन ही आएगी तो आप दबाइए वन आपके कैलकुलेटर पर एक बटन होगा एम प्लस का आप दबाइए का बटन फिर आप कीजिए वन डिवाइडेड बाई टू उसके बाद आप दबाइए का बटन फिर होगा आप लीजिए आप वन डिवाइडेड बाय थ्री उसके बाद दबाइए एम प्लस का बटन फिर कीजिए आप वन डिवाइडेड बाई फोर और दबाइए और दबाइए एम प्लस का बटन फिर कीजिए वन डिवाइडेड बाय एट और दबाइए एम प्लस का बटन फिर कीजिए वन डिवाइडेड बाय टेन और प्लस का बटन अब आप लीजिए सेवन फिर दबाइए डिवाइडेड का बटन और एक होगा आपका एम आर सी का बटन आई रिपीट एक होगा आपका एम आर सी का बटन आप उस एम आर सी के बटन को प्रेस कीजिए फिर आप दबाइए इज इक्वल्स टू का बटन आपके पास आंसर आ जाएगा कि एच एम क्या है इसका जो कि निकल कर आ रहा है टू पॉइंट सेवन नाइन जीरो सेवन और यह आपका एच एम निकल गया इस पूरी सीरीज का अब अगर आपको दोबारा से कैलकुलेटर यूज करना है तो पहले आप ऑल क्लियर का बटन दबाइएगा अदरवाइज जो आपका ये हमने एम प्लस किया था ये मेमोरी में सेव हो जाएगा और फर्दर जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपके आंसर आने रॉन्ग आंसर आने के चांसेस हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रुप्ड सीरीज में किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे हार्मोनिक मीन को तो ग्रुप्ड सीरीज में क्या होता है हमारा दो पार्ट होते हैं सबसे पहला है डिस्क्रीट तो हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे डिस्क्रीट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे इसे एच एम को एच एम इजिक्वल्स टू एंड डिवाइडेड बाय समेन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एक्स आई अब इसे हम किस तरीके सॉल्व करते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं लेट सपोज हमारे पास जो डेटा है वो है एट सेवन नहीं सॉरी हाँ एट सेवन थ्री और इसकी फ्रीक्वेंसी है टू सेवन सिक्स अब इसका हमें एच एम निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे इज इक्वल्स टू सबसे पहले हम एन कैलकुलेट करेंगे एन क्या होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो वो है आपका टू प्लस सेवन प्लस ऊपर आ गया फिफ्टीन नीचे आपको लेना है समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई एक्स आई तो सॉरी एफ आई डिवाइडेड बाई एक्स आई तो आपका हम लेंगे सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है टू और उसका एक्स क्या है एट तो टू डिवाइडेड बाई एट दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है सेवन और उसका एक्स क्या है सेवन तो सेवन डिवाइडेड बाय प्लस तीसरी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है अब कीजिए टू डिवाइडेड बाय एट और दबाइए का बटन फिर कीजिए सेवन डिवाइडेड बाय सेवन प्लस का बटन फिर कीजिए सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री सॉरी और प्लस का बटन अब आप कीजिए फिफ्टीन अब आप कीजिए फिफ्टीन फिर डिवाइडेड का बटन दबाइए का बटन दबाइए और दबाइए आप इक्वल्स टू तो का बटन तो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे जो आपको आंसर दिखेगा वो दिखेगा फोर पॉइंट सिक्स वन फाइव फोर और इससे आपका आंसर आ जाएगा आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें डिस्क्रीट सीरीज में हारमोनिक मेन को कैलकुलेट करना है अब हमें समझना है कि कंटिन्यूस सीरीज में आप किस तरीके से हारमोनिक मेन को कैलकुलेट करेंगे सीरीज जो फॉर्मूला है आपका एच HM एम का कंटिन्यूस में वो सेम रहेगा डिस्क्रीट सीरीज की तरह डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय समेशन ऑफ लेकिन यहाँ पर आप x किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो होती है आपकी मिड वैल्यू अब हम समझ गए हैं इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करके तो जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है लेट सपोज सिक्स 30 और है थर्टी फाइव अब हमें इसका सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है x कैलकुलेट करना है x किस तरीके से कैलकुलेट होता है x कैलकुलेट करते हैं हम मिड वैल्यू की तरह मिड वैल्यू कैसे निकलेगी इन दोनों का एवरेज तो जीरो प्लस टेन डिवाइडेड बाई टू हो गया फाइव टेन प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू कितना हो गया आपका फिफ्टीन ट्वेंटी प्लस थर्टी डिवाइडेड बाई टू कितना हो गया आपके पास ट्वेंटी फाइव अब इसे आप करेंगे सॉल्व वो किस तरीके से निकलेगा h m t n n क्या है आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो वो है आपका 6 30 plus 35 तो ये हो गया आपका 71 अब आपको लेना है समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय xi पहली आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6 और उसका x क्या है 5 तो 6 डिवाइडेड बाय 5 दूसरी आपकी फ्रीक्वेंसी है 30 और उसका जो x है वो है 15 तीसरी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो है थर्टी फाइव और उसका एक्स है ट्वेंटी फाइव अब आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉरी हाँ सही सही है अब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे वो किस तरीके से आएगा आप लीजिए कैलकुलेटर पहले ऑल क्लियर कीजिए और अगर आपके अभी भी आ, हाँ सबसे पहले आप ऑल क्लियर कीजिए और आप एम आर सी का बटन दो बार दबाइए आई रिपीट आप एम आर सी का बटन दो बार दबाइए उसके बाद आप ऑल क्लियर कीजिए तो अब आपको क्या करना है सबसे पहले लीजिए सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव अब लीजिए आपके एम प्लस फिर लीजिए थर्टी डिवाइडेड बाय फिफ्टी फिर से दबाइए प्लस अब लीजिए थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेंटी और दबाइए प्लस का बटन अब आप लीजिए कैलकुलेटर पे सेवेंटी वन डिवाइडेड का बटन दबाइए फिर लीजिए आप एम आर सी और दबा दीजिए इक्वल्स टू तो का बटन तो आपके पास आंसर आएगा फिफ्टीन पॉइंट फोर थ्री फोर एट और यह है आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब आप क्या कीजिए एमआरसी का बटन दो बार दबाइए और ऑल क्लियर का बटन दबा दीजिए तो यहां पे आपका हारमोनिक मीन भी खत्म हो जाता है अब हमें जाना है नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हारमोनिक मीन सबसे पहली चीज कोई भी अगर डेटा होता है कोई भी आप रॉ डेटा उठा के लीजिए जहां पर आपकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं वैल्यूज डिफरेंट है का मतलब है कि जैसे सभी वैल्यूज वन नहीं है अगर सभी वैल्यूज आपकी वन है तो अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आएगा बट अगर सभी वैल्यूज वन नहीं है बाकी कोई भी वैल्यूज है किसी भी डेटा में तो आपका अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा उसके बाद होगा आपका ज्योमेट्रिक मीन और सबसे छोटा सॉरी उसके बाद होगा आपका हार्मोनिक मीन और सबसे छोटा निकल कर आएगा ज्योमेट्रिक मीन इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना होगा आपका एक डेटा है टू या आपकी है एक्स टू फोर एट और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो है थ्री ट्वेल्व और थर्टीन इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है हारमोनिक मीन निकालना है नहीं सॉरी इसके लिए थोड़ी फ्रीक्वेंसीज को कम कर देते हैं अदरवाइज आंसर नहीं आएगा यहाँ पे आप कर लीजिए इसे सिक्स और इसे कर लीजिए टू इसका आप अर्थमेटिक मीन निकालिए हार्मोनिक मीन निकालिए और ज्योमेट्रिक मीन निकालिए और फिर आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर लिखिएगा आंसर निकाल के तो आपका जो ये रिलेशनशिप वेरीफाई भी हो जाएगा नेक्स्ट जो आपका हमारे पास निकल कर आएगा आप इसी रिलेशनशिप को आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर आप एम को मल्टीप्लाई करेंगे एच एम से ये आपका फर्स्ट रिलेशनशिप है ये आपका दूसरा रिलेशनशिप है सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपको पहला रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगा फिर जो आपका ए एम एच HM और जीएम आएगा उसे आप इस फॉर्मुला में पुट कीजिएगा तो आपका सेकेंड रिलेशनशिप भी सेटिस्फाई हो जाएगा और ये जो आपका सेकेंड रिलेशनशिप है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका आपको सॉल्व करना है आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है और इन रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका मीडियन अभी तक हमने क्या पढ़ा है अभी तक हमने पढ़ा कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उठाए थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन को पढ़ा मीन में हमने सबसे पहले पढ़ा अरिथमेटिक मीन फिर हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन देन हमने पढ़ा हार्मोनिक मीन अब मीन के खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है उसे कहते हैं हम मीडियन अब हम पढ़ेंगे मीडियन को सबसे पहली चीज मीडियन होता क्या है तो मीडियन होता है आपका एक ऐसी वैल्यू होती है मीडियन जो आपके डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में बांटे मीडियन एक ऐसी बीच की वैल्यू होती है जो आपके डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में बांटे यही चीज यहां पे लिखी हुई है द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन की मिडल वैल्यू है मीडियन जो इसे डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट्स में इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सच दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो इट इसका मतलब क्या है कि जितनी ऑब्जर्वेशन आपके मीडियन से ऊपर हैं उतने ही ऑब्जर्वेशन आपके मीडियन से नीचे हैं इस लाइन का मतलब ये था नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस uh, यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो अरेंज हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पर देयर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है उनकी न्यूमेरिक वैल्यू नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है वो उसे कहते हैं कि जो मीडियन है वो एक पोजिशनल एवरेज है जबकि अर्थमेटिक मीन जो है वो एक कैलकुलेटेड एवरेज है तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि एक्चुअल में मीडियन होता क्या है अब हमें यह समझना है कि मीडियन को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में वही स्टेप्स जो हम अभी तक फॉलो कर रहे थे उन्हें ही रिपीट करेंगे कि सबसे पहले हम डिस्क्रीट सीरीज को पढ़ेंगे सॉरी अनग्रुप डेटा को पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट uh, सीरीज में कैसे करते हैं एंड लास्ट में हम समझेंगे कि जब बारी आती है हमारे कंटिन्यूस uh, सीरीज की तब हम कैसे करते हैं सो लेट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम अनग्रुब्ड डेटा सबसे पहले हमें समझना है कि अनग्रुप्ड डेटा में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें आपके पास निकल कर आते हैं दो केसेस कितने केसेस दो केसेस केस नंबर वन जब आपके ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन में आप मीडियन को कैसे कैलकुलेट करने हैं हमें वो समझना है सॉरी सबसे पहले हम ऑड का केस समझते हैं उसके बाद इवन का केस आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा तो पहला केस है आपका जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं ऑड तब आप मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं तब आपका मीडियन निकलता है मीडियन इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आइटम इसका मतलब क्या है कि जो आपके एन है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ये जो आइटम होगी वही आपका मीडियन निकलेगा तो इसके लिए हम अपना एक क्या ले लेते हैं वो एग्जांपल लेते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल डेटा है फाइव सेवन टू एट थर्टीन वन और नाइन तो यहाँ पर हमारे पास एन कितना हो गया एन इजिकल्स टू एक दो तीन चार पाँच सात यानी आपका एन हो गया यहाँ पर सेवन अब आपको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे मीडियन तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे वन कॉमा टू वन हो गया टू हो गया अब इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है फाइव देन सेवन देन एट नाइन एंड देन थर्टीन ठीक है अब आपको यहाँ पर मीडियन कैसे है निकाले? मीडियन निकालेंगे आप एन प्लस ड बाई एथ आइटम से तो एन आपका क्या है सेवन तो मीडियन आपका निकलेगा मीडियन इक्वल्स टू सेवन प्लस डिवाइडेड एथ आइटम यानी डिवाइडेड टू एट डिवाइडेड बाई टू कितना होता है फोर यानी आपके जो फोर्थ आइटम है वो आपका निकलेगा मीडियन तो फोर्थ कौन सा है वन टू थ्री फोर फोर्थ आइटम आपकी सेवन है तो इसका मतलब सेवन जो है आपका मीडियन निकलेगा इस केस में आई होप आपको ये समझ आया होगा अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा केस जस्ट uh, सेकेंड इसे रेज कर लेते हैं पहले अब हमारे पास जो हमारा जो दूसरा केस आएगा वो ये होगा कि जहां पर हम हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, वो इवन है उस केस में हम किस तरीके से अपना मीडियन कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है उसे आपको अच्छे से समझना होगा hmm. जब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इवन है तो इसमें आपको लिए मैं एक डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा लेट सपोज हमारे पास जो डेटा है वो है टू एट सेवन थर्टीन ट्वेंटी वन नाइनटीन एलेवन एटीन ये आपके पास डेटा है आपका अब यहाँ पर आपका एन कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आपका एन है एट तो यानी यहाँ पर आपका इवन ऑब्जर्वेशनस हैं अब आपको इसे क्या करना है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में यानी वो कैसे आएगा टू टू के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा सेवन उसके बाद आएगा आपका एट देन आएगा आपका एलेवन उसके बाद आएगा थर्टीन फिर आएगा एटीन फिर आएगा नाइनटीन और फिर आएगा ट्वेंटी वन ये आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। अब हमने सीखा था कि मीडियन हम कैसे निकालते हैं एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एट आइटम से तो हम मीडियन निकालेंगे वैसे ही मीडियन इज इक्वल्स टू एन है आपका एट एट प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एथ आइटम एट प्लस वन कितना होता है आपका नाइन नाइन डिवाइडेड बाय टू क्या होता है फोर पॉइंट फाइव तो यानी आपका जो आएगा मीडियन आएगा वो आएगा फोर पॉइंट फिफ्थ आइटम में अब यहां पर हमें ये समझना है कि फोर पॉइंट फिफ्थ आइटम कैसे निकलेगी फोर्थ आइटम ये है लेकिन हम पॉइंट फाइव आगे कैसे जाएंगे हमें ये समझना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं फोर्थ अगर अगर आइटम आइटम निकालनी है 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 कभी भी अगर आपका जो आंसर है, वो डेसिमल वाली में जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे फोर्थ आइटम फोर्थ आइटम तो आनी ही आनी है प्लस जीरो पॉइंट फाइव और ब्रैकेट में हम लेंगे फिफ्थ माइनस फोर्थ आइटम इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे किसी अपने मीडियन को तो आपकी फोर्थ आइटम कौन सी है फोर्थ है आपकी इलेवन प्लस ब्रैकेट के अंदर आपकी फिफ्थ आइटम कौन सी है थर्टीन थर्टीन माइनस इलेवन क्योंकि फोर्थ आइटम आपकी इलेवन थी तो इससे आपका क्या आएगा थर्टीन माइनस इलेवन कितना होता है टू टू इन टू पॉइंट फाइव कितना होता है वन तो इलेवन प्लस वन कितना होता है आपके पास ट्वेल्व और वही आपका इस केस में आंसर निकल के आएगा तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अनग्रुप डेटा में जो आपके पास दो केस हैं पहला केस है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेश्स ऑड है और जब दूसरा केस है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है उस केस में आप किस तरीके से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं आई होप वो आपको बहुत इजीली समझ आया होगा अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज के केस में तो वो हम कैसे करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन को तो वहां पर आपका मीडियन होता है इजिकल्स टू एन बाई टू यहाँ पर आप मीडियन कैसे निकालेंगे एन बाय टू करके तो इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर है हमारा एक्स और यहाँ पर है उसकी फ्रीक्वेंसी लेट सपोज हमारा एक्स जो कि वेरिएबल कहते हैं हम उसे वो है थ्री फोर फाइव एट और जो इसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं सामने वो हैं आपकी नाइन इलेवन थर्टीन और इसका अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी आपके पास ट्वेंटी फाइव अब हमें अगर मीडियन कैलकुलेट करना होता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जिस वेरिएबल पे आप अभी खड़े हैं वहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है आई रिपीट जिस वेरिएबल पे आप खड़े हैं वहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी जिसे हम डिनोट करते सी एफ से तो थ्री तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ, आ, आ चुकी है और फोर की भी आ चुकी है तो यानी नाइन प्लस इलेवन कितना होगा ट्वेंटी फाइव तक आपकी थ्री की भी आई है फोर की भी आई है और फाइव की भी आई है तो थ्री की कितनी थी नाइन फोर की थी इलेवन और फाइव की थी थर्टीन तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगी थर्टी थ्री उसके बाद एट कि एट की क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि थ्री की जितनी थी फोर की जितनी थी फाइव की जितनी थी और एट की जितनी थी उन सबको हम ऐड कर देंगे तो वो आएगा आपका थर्टी फाइव ओ सॉरी पे हमने जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया था वो ट्वेंटी फाइव नहीं होगा वो भी थर्टी फाइव ही होगा जस्ट अ सेकेंड ये हम ये मैंने किस तरीके से पकड़ा क्योंकि यहां पर देखिए जो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए किसके वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए आपके सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कहीं पे कोई एरर तो नहीं किया अब हमें मीडियन किस तरीके से निकालते हैं सॉरी हम मीडियन निकालते हैं एन बाय टू से तो एन हमारा यहाँ पे कितना है थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव बाय टू वो आपके पास निकल कर आएगा सेवनटीन पॉइंट फाइव अब हमें ये देखना है कि 17.5 कौन सी क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है तो देखिए क्या नाइन वाली क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ सकता है नहीं आ सकता क्या ट्वेंटी में सेवेंटी आएगा बिल्कुल आएगा तो ट्वेंटी क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से वेरिएबल के सामने है फोर के सामने है तो इसलिए हमारा जो मीडियन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा मीडियन इज इक्वल्स टू फोर आई होप आपको समझ आया होगा कि मीडियन हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अब हमें समझना है कि अगर कंटिन्यूस सीरीज होगी तो कंटिन्यूस सीरीज में आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमारे मीडियन को तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला यूज होता है जो होता है एल वन प्लस एन डिवाइड माइनस सी एफ जीरो होल डिवाइडेड बाय एफ वन एच अब इसे फॉर्मूला को क्या चीज क्या है उसे मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं तो आपका वन होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो आपका सी एफ जीरो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास जो आपका एफ वन होता है एफ वन होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और जो आपका एच है एच होता है आपका क्लास साइज क्लास साइज को हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो कैसे निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये है आपका फॉर्मूला जो कि हम यूज करते हैं मीडियन के लिए इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज जस्ट अ सेकेंड मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ hmm. तो अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो मैंने अभी आपको एक कंटिन्यूस सीरीज़ का फार्मूला लिखवाया उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमारे जो क्लास इंटरवल है उसके साथ में फ्रीक्वेंसीज़ लिखी हुई हैं जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी फोर्टी से फिफ्टी और जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो है सेवन एटीन ट्वेंटी और वन अब सबसे पहले स्टेप जो हम करेंगे यहां पर वो हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी क्या निकल कर आएगी सेवन क्योंकि जीरो से टेन तक आपकी फ्रीक्वेंसी सेवन है उसके बाद टेन से ट्वेंटी की फ्रीक्वेंसी कितनी है एटीन तो इससे पहले पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को भी हम ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी से थर्टी की फ्रीक्वेंसी कितनी है नाइन यहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है वो है सेवन प्लस एटीन प्लस नाइन जो कि है थर्टी फोर थर्टी से फोर्टी की फ्रीक्वेंसी कितनी है ट्वेंटी यहां तक की अभी तक फ्रीक्वेंसी कितनी आ चुकी है वो है सेवन प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी तो वो आएगा आपका फिफ्टी फोर और फोर्टी से फिफ्टी की फ्रीक्वेंसी है वन यहां तक अभी तक फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी आ चुकी है वो है सेवन प्लस एटीन प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी प्लस तो वन जो कि है आपका फिफ्टी फाइव मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मीडियन क्लास निकालनी होगी क्योंकि हमने अभी फॉर्मूलाज को देखा था तो सबसे पहले हमने यही चीज समझी थी कि मीडियन क्लास बहुत जरूरी चीज है तो हम मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे एन बाय टू करके अब एन आपका कितना है फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव बाई टू करके आप क्या निकालेंगे अपना मीडियन निकालेंगे एन कैसे फिफ्टी फाइव होगा आपका क्योंकि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में सीखा था कि जो आपका सी एफ का लास्ट होगा लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी और टोटल आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा इक्वल होगी फिफ्टी तो फाइव बाई टू आपका कितना निकल कर आता है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव अब आपको ये समझना है कि ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव कौन सी क्लास में लाए करेगा तो देखिए क्या सेवन में कर सकता है नहीं क्या ट्वेंटी फाइव में कर सकता है नहीं थर्टी फोर में करेगा डेफिनेटली करेगा तो जो आपकी मीडियन क्लास निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी ट्वेंटी से थर्टी वाली अब आपको मीडियन कैलकुलेट करना है मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका क्या था एल वन प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ जीरो ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस एन बाइ टू आपका कितना है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव अभी हमने कैलकुलेट किया ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव माइनस सी एफ जीरो सी एफ जीरो का क्या हमने लिखा था कि

डिवाइडेड बाय एफ वन एफ वन आपका कितना था एफ वन की हमने नोटेशन लिखी थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास क्लास है की ट्वेंटी से थर्टी उसकी फ्रीक्वेंसी है क्लास साइज क्लास साइज आपकी निकलेगी थर्टी माइनस ट्वेंटी करके तो वो आएगा आपका टेन इसे सॉल्व करके आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम मीडियन को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज इन केस ऑफ स ऑफ अनुडेट हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि हमारा quartiles. अभी हमने क्या सीखा कि मीडियन के बारे में रिलेटेड एक चीज होती है हमारे पास क्वार जैसे मीडियन जो है आपके डेटा को सॉरी जस्ट अ सेकेंड जैसे मीडियन जो है आपके डेटा को दो इक्वल पार्ट में बांटता है वैसे ही क्वारटाइल जो है आपके डेटा को चार इक्वल भागों में बांटता है यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है क्या क्वार्टाइल क्वार्टल रिप्रेजेंट द डिविजन ऑफ डेटा इंटू फोर इक्वल पार्ट्स बाई डिवाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन फोर ग्रुप द्वारा बेलो द मेन इसका मतलब क्या है कि क्वार्टाइल कैलकुलेट करने से हमें यह पता चल जाता है कि चारों जो क्वार्टाइल्स हैं वो मेन से कितने ऊपर है और मेन से कितनी नीचे हैं जो हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते हैं वो तीन होती हैं कितनी क्वार्टाइल्स होती हैं तीन क्वार्टाइल्स होती हैं पहली होती है क्यू वन जिसे हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं दूसरी होती है क्यू टू जिसे हम मीडियन कहते हैं और मीडियन अभी हम, अभी अभी हम हम कैलकुलेट करना सीख के आए हैं तीसरी होती है क्यू थ्री जिसे हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल अब हमने ये समझा कि क्वार्टाइल होता क्या है तो इसे कैलकुलेट किस तरीके से करना है वो सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम सबसे पहले क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा तो देखिए क्वार्टाइल्स हमारे पास कितनी है तीन है एक है Q1 दूसरी है Q2 और तीसरी है Q3 Q2 का मतलब क्या है मीडियन मीडियन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम सीख चुके हैं अभी हम सीखना है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है हमारे Q1 को तो n बाय सॉरी n प्लस वन बाय फोर इससे आपकी कैलकुलेट होगी Q1 Q2 आपकी कैसे कैलकुलेट होती है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ये हमने मीडियन सीखा था डेटा में. और Q3 कैसे होगी थ्री मल्टीप्लाई बाई क्यू वन से अब Q1 आपकी क्या निकल कैसे कैलकुलेट हो रही है थ्री इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है कि आप किस तरीके से क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करेंगे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं लेट सपोज आपके पास जो डेटा है वो इस तरीके से है थ्री एट सेवन नाइन ट्वेंटी एलेवन एंड थर्टीन इसमें भी आपके पास दो केस बनते हैं सबसे पहले हम जो पहला केस सीख रहे हैं वो ये है वैन ऑब्जर्वेशंस आर ऑड जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तब हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है हम पहले वही सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम इसे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे थ्री सेवन एट नाइन इलेवन थर्टीन ट्वेंटी तो इससे आपके पास ये डेटा निकल कर आ गया यहाँ पर आपके एन की वैल्यू कितनी है सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब हम देखेंगे कि क्यू वन कैसे कैलकुलेट होगा क्यू वन कैलकुलेट होगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम से एन आपका कितना है सेवन सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम अब आप देखिए यहां पर एन आपका कितना है एन है आपका सेवन प्लस वन यानी एट एट डिवाइडेड बाय फोर कितना होता है सॉरी uh, टू तो यानी जो आपकी सेकंड आइटम है सेकंड आइटम होगी आपकी क्यू वन सेकेंड आइटम आपकी कौन सी है वन टू यानी सेवन तो सेवन हो गई आपकी क्यू वन क्यू टू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो बिल्कुल मीडियन की तरह कैलकुलेट हो जाएगा तो वो आपका निकलेगा एन प्लस वन एन आपका कितना है सेवन सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय एथ आइटम यानी फोर्थ आइटम फोर आपका फोर्थ आइटम कौन सी है आपकी नाइन तो नाइन हो गया आपका क्यू टू अब आपको कैलकुलेट करना है क्यू थ्री क्यू थ्री आप कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्री मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम सॉरी तो अब आपको देखना है कि थ्री मल्टीप्लाई बाय एन आपका कितना है सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम आपका सेवन प्लस वन कितना होता है एट एट डिवाइडेड बाय फोर कितना होगा टू टू मल्टीप्लाई बाय थ्री कितना होता है सिक्स यानी जो आपका sixth item है वो आपका क्यू थ्री तो आइटम कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. वो है आपका थर्टीन तो जो आपका थर्टीन है वो निकल कर आएगा आपका क्यू थ्री आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री कैलकुलेट करना है जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या थी ऑड अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन इवन होंगी तो जस्ट अ सेकेंड मैं ये पूरा डेटा जो है आपका इरेज कर लेता हूँ उसके बाद हम समझते हैं नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो होंगी वो क्या होंगी इवन होंगी तब हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमारे क्वार्टाइल्स को तो लेट सपोज हमारे पास जो डेटा है वो ये है कि टू थ्री वन सेवन सिक्स सेवनटीन इलेवन ट यहाँ पर हमारा जो एन निकल कर आ गया वो है एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो जो आपका एन है वो एट है यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ईवन हो गए अब हम किस तरीके से क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करेंगे हमें वो सीखना है सबसे पहले हम बत, सीखेंगे कि क्यू वन कैसे कैलकुलेट होगा क्यू वन कैलकुलेट होगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम से एन आपका कितना है एट एट प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम यानी आपका एंड एट प्लस वन कितना होता है नाइन नाइन डिवाइडेड बाय फोर कितना होगा टू पॉइंट टू फिफ्थ आइटम अभी हम समझ कर आए थे कि अगर डेसिमल का केस होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे सेकंड आइटम प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाय थर्ड माइनस सेकंड आइटम इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे हमारे क्यू को तो आपका सेकेंड आइटम क्या है सेकेंड आइटम है आपका थ्री ओ सॉरी इसे हमने पहले डेटा को अरेंज नहीं किया सेंडिंग ऑर्डर में पहले हम वो कर लेते हैं सबसे पहले आपका आएगा वन देन टू देन थ्री सिक्स सेवन इलेवन ट्वेल्व और सेवनटीन तो आपका जो सेकंड आइटम है वो है टू प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव ऑफ थर्ड आइटम है आपका थ्री माइनस सेकंड आइटम जो आपका वो टू है तो टू प्लस पॉइंट फाइव इक्वल्स टू टू पॉइंट टू फाइव जो है वो आपका आएगा Q1 आएगा अब हमें सीखना है कि Q2 और Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जस्ट अ सेकेंड मैं पहले एक स्लाइड ऐड कर देता हूं यहाँ पर अब हम सीखते हैं कि हमें अगर Q2 कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे N प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एथ आइटम तो वो आपका क्या था प्लस N था आपका एट एट प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एथ आइटम एट प्लस वन होता है आपका नाइन नाइन डिवाइडेड बाय टू होता है आपका फोर पॉइंट फाइव तो फोर पॉइंट फिफ्थ आइटम वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्थ आइटम प्लस जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम इस तरीके से आपका कैलकुलेट होगा क्यू टू सॉरी इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा क्यू टू अब हम सीखेंगे कि क्यू थ्री अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप फोर्थ आइटम और फिफ्थ फोर्थ आइटम ये सारी जो आप वैल्यूज को पुट करके अपना फाइनल आंसर निकालिएगा एंड प्लीज राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन अब आपको क्यू थ्री कैलकुलेट करना है तो क्यू थ्री किस तरीके से कैलकुलेट होगा थ्री इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम इस तरीके से आपका क्यू कैलकुलेट होगा तो वो आएगा आपका थ्री इन टू एन प्लस वन एन आपका कितना था एट एट प्लस वन कितना होता है थ्री इंटू नाइन कितना ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई फोर आपका कितना होता है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव तो यानी या आएगा सिक्स पॉइंट सेवन फिफ्थ आइटम इसे आप कैसे निकालेंगे सिक्स आइटम प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवेंथ आइटम माइनस सिक्स आइटम अब इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा टू प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ सिक्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट यूर क्यू थ्री आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल्स को इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अब हमें पढ़ना है ओ सॉरी इन केस ऑफ अनग्रुप्ड सीरीज अब हमें पढ़ना है कि ग्रुप्ड सीरीज में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ग्रुप्ड सीरीज में सबसे पहले हम जाएंगे किस केस में हमारे डिस्क्रीट सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज उसमें आपका Q1 कैसे कैलकुलेट होगा Q1 कैलकुलेट होगा n प्लस फोर्थ आइटम Q3 आपका कैसे कैलकुलेट होगा थ्री इन टू एन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम और Q2 तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं वो कैसे कैलकुलेट होगा एन डिवाइडेड बाय टू एथ आइटम अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सॉरी हाँ इसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं वो एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले एक्स को कंसीडर करेंगे उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी एंड देन हम टिव फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे एक्स है हमारा टू नाइन इलेवन एंड फोर्टीन उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है थ्री टू एट और सिक्स अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कैसे कैलकुलेट होगी थ्री उसके बाद नाइन तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है थ्री भी आ चुकी है और टू भी आ चुकी है इनका एडिशन कितना होगा फाइव इलेवन तक आपकी कितनी आ चुकी है थ्री टू और एट इनको आप ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा थर्टीन फोर्टीन तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है थ्री टू एट और सिक्स इन्हें आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा नाइनटीन तो और जो आपका फ्रीक्वेंसीज का सम होगा यानी एन होगा वो भी यही होगा इनका सम वो कितना आएगा थ्री प्लस टू प्लस एट प्लस सिक्स तो वो भी आपका नाइनटीन निकल कर आएगा तो यहां पर देखिए लास्ट क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी और एन ये दोनों इक्वल निकल आए हैं अब आपको कैलकुलेट करना है क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री तो सबसे पहले आप क्यू वन कैलकुलेट करेंगे क्यू वन होगा आपका एन प्लस सॉरी एन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम तो एन आपका कितना है 19, 19 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम 19 डिवाइडेड बाय फोर ये आपका कितना निकल कर आता है फोर पॉइंट सेवन फिफ्थ आइटम तो अब आप देखिए क्या फोर पॉइंट सेवन फिफ्थ आइटम वो थ्री में आ सकती है क्या नहीं आ सकती क्या वो फाइव में आएगी बिल्कुल आएगी फाइव किसके सामने है नाइन के सामने है तो आपका जो क्यू वन आएगा वो आएगा नाइन क्यू टू आपका क्या होता है मीडियन वो आएगा एन डिवाइडेड बाय टूए आइटम में एन आपका कितना है नाइनटीन डिवाइडेड बाय टूए आइटम 19 डिवाइडेड बाय 2 होता है आइटम। अब आप देखिए क्या जो आपका 9.5 है वो 3 में आ सकता है नहीं 5 में आ सकता है नहीं 13 में आ सकता है यस तो जो आपका 13 के सामने जो आपका वेरिएबल होगा वही आपका आंसर होगा किसका Q2 का वो है आपका 11। अब आपको कैलकुलेट करना है Q3। Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्री इन एन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम तो वो है आपका थ्री इंटू नाइनटीन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम थ्री इंटू नाइनटीन कितना होता है आपके पास वो होता है फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन डिवाइडेड बाय फोर वो कितना होता है आपके पास फोरटीन पॉइंट टू फाइव तो यानी फोर्टीन पॉइंट टू फिफ्थ आइटम तो अब आप देखिए क्या फोर्टीन पॉइंट टू फाइव वो थ्री में आ सकता है नहीं फाइव में आ सकता है नहीं 13 में आ सकता है नहीं क्या वो 19 में आएगा डेफिनेटली आएगा 19 किसके किस वेरिएबल किस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14 की तो जो आपका q3 है वो निकल कर आएगा 14 आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अब हमें समझना है कि अगर कंटीन्यूअस सीरीज होगी कंटीन्यूअस सीरीज तो कंटिन्यूस सीरीज में आप किस तरीके से क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपका सबसे पहले हम सीखेंगे Q1 देखिए Q2 तो आपका मीडियन है मीडियन में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं तो इसलिए मैं आप आपको सीरीज में सिर्फ Q1 और Q3 बताऊंगा क्यों क्योंकि Q2 आपका मीडियन होता है और मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं तो Q1 को किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे L1 प्लस एन डिवाइडेड बाय फोर माइनस सी एफ जीरो होल डिवाइडेड बाय एफ वन इन टू एच और क्यू थ्री को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एल वन प्लस थ्री इंटू एन बाय फोर माइनस सी एफ जीरो होल डिवाइडेड बाय एफ वन इंटू एच इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्यू वन और क्यू थ्री को हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एंड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो so दैट हमें इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से मिल पाए अ से तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कंटिन्यूस uh, सीरीज में कि हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का सॉरी ज़ीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी एंड फोर्टी से फिफ्टी और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है सेवन एट नाइन इलेवन और टू अब हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आएगी सेवन उसके बाद टेन से टेन से ट्वेंटी वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी है एट और अभी तक यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है सेवन प्लस एट तो वो आ जाएगा फिफ्टीन ट्वेंटी से थर्टी की फ्रीक्वेंसी है नाइन और अभी तक यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है सेवन एट और नाइन तो इनका एडिशन हम करेंगे तो वो आएगा ट्वेंटी फोर थर्टी से फोर्टी की फ्रीक्वेंसी कितनी है इलेवन और यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ चुकी है वो आ चुकी है सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस इलेवन जो कि होगा हमारा थर्टी फाइव उसके बाद फोर्टी से फिफ्टी की फ्रीक्वेंसी कितनी है टू यहां तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है वो है सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस टू तो वो होगा आपके पास थर्टी सेवन और टोटल फ्रीक्वेंसी भी आपकी होगी थर्टी सेवन अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले एन बाय फोर तो वो आपका सॉरी जस्ट अ सेकेंड एन बाय फोर इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं Q1 तो Q1 को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे n बाय फोर क्या है तो n है आपका 37 तो 37 सेवन बाय फोर वो आपके पास कितना आ रहा है वो आ रहा है 9.25 अब हमें देखना है कि 9.25 कौन सी क्लास में आएगा तो क्या वो सेवन में आएगा नहीं क्या वो फिफ्टीन में आएगा यस फिफ्टीन कौन सी क्लास में आ रहा है आपके फिफ्टीन आ रहा है टेन से ट्वेंटी वाली क्लास में तो अब आपको कैलकुलेट करना है Q1 वन कैसे कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाय एच तो आपका Q1 कैसे कैलकुलेट होगा L1 क्या है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास तो लोअर लिमिट आपकी है टेन प्लस एन बाय फोर हमने कैलकुलेट करा है वो है नाइन पॉइंट टू फाइव सी एफ जीरो क्या है हमारे पास सी एफ जीरो है क्यूमेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग क्यू वन क्लास तो क्यू वन क्लास हमारी कौन सी है टेन से ट्वेंटी वाली इससे प्रीवियस क्लास है आपकी जीरो से टेन उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सेवन तो माइनस करेंगे हम सेवन को एंड होल डिवाइड हम कर देंगे एफ वन से एफ वन क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू वन क्लास तो वो है आपकी टेन से ट्वेंटी की फ्रीक्वेंसी है 8. तो एट डिवाइडेड बाई एट मल्टीप्लाई बाय एच एच होता है आपका क्लास साइज क्लास साइज होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 20 10 तो वो आपका आएगा 10 इसे सॉल्व करके आपका आ जाएगा q1 अब हमने q1 कैसे कैलकुलेट करना है वो तो सीख लिया अब हमें सीखना है कि अगर हमें q3 कैलकुलेट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे उसका भी मैं आपको ये एग्जांपल सेम एग्जांपल में हम सीखेंगे कि अगर हमें q3 कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे जस्ट गिव मी अ सेकंड तो Q3 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि थ्री इन टू एन प्लस फोर्थ आइटम आपकी कौन सी है वो निकल कर आएगा आपका थ्री इन टू थर्टी सेवन डिवाइडेड बाय फोर तो थ्री इंटू थर्टी सेवन आपके पास कितना निकल कर आएगा वन हंड्रेड एंड इलेवन वन हंड्रेड एंड इलेवन डिवाइडेड बाय फोर आप करेंगे तो वो आपके पास निकल कर आएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन फाइव अब <coughs> ये आपको चेक करना है कि ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन फाइव किस में आएगा क्या वो सेवन में आएगा नहीं क्या वो फिफ्टीन में आएगा नहीं क्या वो ट्वेंटी फोर में आएगा नहीं क्या वो थर्टी फाइव में आएगा यस तो आपकी क्यू थ्री क्लास हो जाएगी थर्टी से फोर्टी वाली तो अब आप क्यू थ्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे L1 प्लस थ्री एन डिवाइडेड बाय फोर माइनस सी एफ जीरो होल डिवाइडेड बाय एफ वन एच तो L1 आपका क्या है लोअर लिमिट लोअर लिमिट होगी आपकी 30 प्लस 3n एन बाय 4 वो आपने अभी कैलकुलेट करा वो है 27.75 माइनस CF0 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग Q3 क्लास Q3 क्लास है आपकी 30 से 40 उसकी प्रीवियस क्लास है 20 से 30 उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 24 तो यहां पर आएगा 24 डिवाइडेड बाय F1 F1 क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ Q3 थ्री क्लास तो वो है आपका 11 मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज क्लास साइज है आपका 40 माइनस थर्टी जो कि है 10 इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा Q3 का अब आप मुझे Q2 Q2 आपका क्या होता है मीडियम इसे सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो की है आपका मोड मोड में सबसे पहले हमें यह समझना है कि मोड का मीनिंग क्या होता है तो मोड का मीनिंग होता है कि कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहते हैं मोड तो यही यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं आइए मोड की द मोड ऑफ सेट ऑफ नंबर विच अकर्स मोर नंबर नंबर इन द सेट इसका मतलब क्या है मोड एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है किसी भी सेट ऑफ नंबर में इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू अकर होती है वही हमें मोड कहते हैं इफ टू और मोर वैल्यूज अकर इक्वल इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट टू हैव टू और मोर मोड्स अगर आपके पास दो या फिर दो से ज्यादा ऐसी वैल्यूज हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं तो ऐसे केस में हमारे पास दो या दो से ज्यादा मोड्स होंगे अगर हमारे पास दो मोड्स होते हैं तो उस टाइप के डेटा को हम कहते हैं बाई मोडल डेटा और अगर किसी डेटा में दो से ज्यादा मोड्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टी मोडल डेटा आई होप आपको यह समझ आया होगा कि मोड होता क्या है एक बार मैं आपको फिर से इसे रिपीट कर देता हूं कि मोड का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में उसे हम कहते उस वेरिएबल को हम कहेंगे मोड ऑफ दी डेटा अब हम समझते हैं कि मोड को कैलकुलेट कैसे करते हैं तो वही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे सबसे पहले हम समझेंगे कि अनग्रुप्ड डेटा में अनग्रुप्ड डेटा में हम मोड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए सिंपली हम आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं लेट सपोज हमारे पास डेटा है थ्री फोर एटीन सेवेंटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन थ्री फोर नाइन ट्वेंटी थ्री फोर ट्वेंटी टू फोर ट्वेंटी टू तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है इस डेटा को इस डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो देखिए असेंड सॉरी इस डेटा को आपको फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे एक्स एफ फ्रीक्वेंसी टेबल में लगाइए थ्री कितनी बार आ रहा है थ्री आपका एक दो दो बार आ रहा है आपका थ्री फोर कितनी बार आ रहा है एक दो तीन चार नाइन कितनी बार आ रहा है एक दो एटीन कितनी बार आ रहा है एक सेवेंटीन भी एक बार ट्वेंटी भी एक बार इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ट्वेंटी वन भी एक बार ट्वेंटी थ्री भी एक बार और ट्वेंटी टू कितनी बार आ रहा है दो बार तो सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है फोर फोर सबसे ज्यादा बार आ रहा है फोर टाइम्स तो आपका यहां पर मोड जो निकलेगा वो निकल कर आएगा फोर तो आपको जब भी सब अनग्रुप्ड डेटा दिया होगा उसे आपको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में किस में कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में जिसमें एक साइड आप वेरिएबल लिखेंगे और दूसरी दूसरी साइड आप क्या लिख देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वही होगा आपका मोड ऑफ द डेटा अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास जस्ट अ सेकंड अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है क्या है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे ईजिएस्ट जो आपका मोड को कैलकुलेशन है वो डिस्क्रीट सीरीज में है क्यों क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज आपकी क्या होती है एक साइड लिखा होता है आपका एक्स दूसरी साइड लिखा होता है आपका एफ थ्री फोर सेवन एट नाइन यहाँ पेक्वें ट्वेंटी थ्री और फिफ्टी टू तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है फिफ्टी टू वो किसकी है नाइन की तो आपका नाइन जो है वो बन जाएगा मोड तो सबसे ईजी जो होता है वो होता है डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करना किसे हमारे मोड को सबसे पहले हमने क्या सीखा कि अनग्रुप डेटा में कैसे करना है फिर हम आए ग्रुप डेटा में ग्रुप डेटा में हमने सीखा कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करना है जो कि बहुत ईजी है अब हम बढ़ेंगे लास्ट पार्ट में जो कि है हमारा कंटिन्यूस सीरीज कि कंटिन्यूस सीरीज में हम मोड को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कंटिन्यूस सीरीज उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं मोड का जो कि होता है एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच अब इसको एल वन आपका क्या होता है तो एल वन होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एफ वन आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एफ जीरो होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास F2 होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास और H होता है आपका क्लास साइज अब इन सबको कैसे कैसे हमें उठाना है कैसे कैसे वैल्यूज में पुट करना है उसके लिए हम एक लेंगे एग्जांपल सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड तो यहाँ पर हम उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं यहाँ पर वो है हमारा ज़ीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोटी फोर्टी से फिफ्टी और इसकी फ्रिक्वेंसी है लेट सपोज टू एट एटीन सिक्सटीन और सेवन अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि मोडल क्लास क्या है मोडल क्लास का मतलब होता है ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो मोडल क्लास का मतलब क्या है ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है एटीन तो आपकी मॉडल क्लास निकल कर आएगी यहां पर ट्वेंटी से थर्टी अब हम यहां पर लगा देंगे फार्मूला किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे हम मोड का वो कैसे निकलेगा मोड इज इक्वल्स टू एल्वन

फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास तो मॉडल क्लास से पिछली क्लास आपकी कौन सी है टेन से ट्वेंटी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एट डिवाइडेड बाय टू इन टू एफ वन एफ वन आपका क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी एटीन माइनस एफ जीरो आपका एट था अभी हमें पता चला एफ टू क्या होता है आपका एफ टू है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास तो मॉडल क्लास आपकी ट्वेंटी से थर्टी है इसकी नेक्स्ट क्लास क्या है 30 से 40 उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 16 Into h h आपका है क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 30 माइनस 20 कितना है 10 इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा मोड का जिसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई होप आपको समझ आया होगा कि मोड को कैसे कैलकुलेट करना है और इसी के साथ हमारा जो मेजर पार्ट था इस पूरे चैप्टर का वो खत्म हो गया है और अब हमें सिर्फ लास्ट पार्ट पढ़ना है चैप्टर का जो की है कि मोड मीडियन और मीन के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं बात कि मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से मोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Z से मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से और मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं X बार से तो जो ये रिलेशनशिप है हमारी वो क्या है z इक्वल्स टू एम थ्री एम माइनस टू एक्स बार ये हमारी एक रिलेशनशिप है अब कभी भी आपके पास ये आपका जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है तो ये रिलेशनशिप क्या है कि मोड जो है आपका किसके इक्वल्स होगा थ्री इंटू मीडियम माइनस टू इंटू मीन के इक्वल होगा आपका मोड तो अब मैं आपको एक इसके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ उसमें आप मोड को निकालिए मीडियन को निकालिए और मीन को निकालिए फिर आप थ्री इंटू मीडियम कीजिए और माइनस कीजिए उसे टू इंटू मीन से अगर वो आपकी वैल्यू मोड के इक्वल्स आ रही है जो कि जरूर आएगी तो ये आपका रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश हो जाएगा इसी टाइप का एक होमवर्क मैंने आपको आ, उस एक और रिलेशनशिप में दिया था ए एम जी एम और एच HM एम वाले में एक यहाँ पे भी दे देता हूं आपका एक्स है और एफ है एक्स है आपका टू सेवन नाइन एट ट्वेंटी थ्री और जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो है इसकी सेवन एट सेवनटीन इलेवन और वन इसमें आपको सबसे पहले मेन निकालना है मोड निकालना है मीडियन निकालना है और उसके बाद आपको इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करके देखना है जो कि बिल्कुल ट्रू आएगी इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी तरीके से समझ आया होगा एंड आपने एंजॉय किया होगा लर्निंग को अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया है क्रिस्टल क्लियर हुआ है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज को जरूर ड्रॉप कीजिएगा जो आपका मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन कुर्तोसिस एंड स्क्यूनेस का पहला पार्ट था वो हमने इसी के साथ खत्म किया है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन थैंक यू सो मच एवरीवन